बलौदाबाजार कलेक्टर डोमन सिंह ने शनिवार को रिवॉल्वर और असलाह चोरी के मामले में संयुक्त जिला कार्यालय में पदस्थ दो आरोपी भृत्य रोशन कुमार ध्रुव भू अभिलेख शाखा एवं उमेश कुमार ध्रुव को शनिवार को निलंबित कर दिया गया है। राजधानी रायपुर की गंज थाना पुलिस ने चूनाभट्टी इलाके में देर रात जुए के अड्डे पर छापा मारते हुए मौके से 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने अलग अलग प्रकरण में 3 चिटफंड कंपनी के कुल 5 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। साईं प्रकाश ग्रुप ऑफ कंपनी, BNB इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी और निर्मल इन्फा होम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में लोगों ने लाखों रुपए 6 साल पहले निवेश किए थे। नवई थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 13 साल और 10 साल के दो लड़कों ने अपराध को अंजाम दिया है। बच्ची के माता पिता की शिकायत पर नेवई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। जोरातेरे शराब दुकान के पास शुक्रवार को मिली महिला की लाश का मामला उतई पुलिस ने सुलझाकर मृतका के पति व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने उसकी शराब पीने की आदत से परेशान होकर घटना को अंजाम दिया था। बिलासपुर की करही बाजार पुलिस ने साइबर सेल की मदद से धारा 420 के मामले में फरार दो आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी सलीम खान व गौरव जोशी ने प्रार्थी शत्रुघ्न साहू के लड़के राजू साहू की नौकरी हाईकोर्ट बिलासपुर में बाबू के पद पर लगाने के झांसा देकर 5 लाख रुपए छल पूर्वक लिए थे। बिलासपुर जिले में तखतपुर के ग्राम छिल्हा में घरेलू विवाद में बेटे ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छिल्हा में घरेलू विवाद में पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में आरोपी बेटे को हिरासत में लिया है। बस्तर संभाग के बीजापुर इलाके में नक्सलियों के खिलाफ चल रही मुहिम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फोर्स की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। शनिवार को थाना बीजापुर, आवापल्ली, गंगलूर और बासागुड़ा में पुलिस के जवानों ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव की चिखली चौकी पुलिस ने ग्राम भेड़ी कला के खेत में जुआ खेल रहे 3 जुआरियों को पकड़कर उनके पास से 5,000 रुपए व ताश पत्ती जब्त की है। अवैध रेत खनन रोकने गए तहसीलदार सहित पुलिस टीम पर रेत माफिया द्वारा हमला किया गया। इस दौरान खनन माफिया ने एक आरक्षक पर चाकू से भी हमला किया और भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता 15 साल के छात्र पीयूष जायसवाल का शव नदी में तैरता हुआ मिला है। वो 2 दिन पहले कबड्डी की ट्रेनिंग लेने के लिए सुबह घर से निकला था। उस दौरान ही उसके नंबर से उसकी माँ को मैसेज आया था कि मैं मर रहा हूँ। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। रायगढ़ जिले की कोसीर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंबेडकर चौक कोसीर के पास उमेश कुमार जुल्हे को बिना नंबर पल्सर बाइक पर घूमते देखा गया, जिसके आगे नंबर प्लेट पर जय माता दी लिखा हुआ था। उसको पकड़कर बाइक के दस्तावेज की मांग कर उससे पूछताछ करने के बाद एक अन्य बाइक को भी जब्त किया गया है। रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र ईदगाह भाटा में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला के घर में घुसकर अलमारी से सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 50,000 रुपए का माल बरामद किया है। जगदलपुर में पीएम आवास दिलाने के नाम पर वार्ड वासियों से लाखों रुपए कमीशन लेने वाली संजय गांधी वार्ड की कांग्रेसी पार्षद कोमल सिन्हा को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कोमल सेना के खिलाफ पुलिस को सारे सबूत मिले हैं, जिसके बाद कोमल सेना की गिरफ्तारी की गई है। कांकेर में शुक्रवार देर रात पड़ोसी के घरेलू विवाद में एक अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी ने उसके बेटे पर भी डंडे से हमला किया और एक अन्य पड़ोसी के घर में कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने घुस गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के अतिरिक्त तहसीलदार पंचराम सलामे ने रामपुर पटवारी राजन साहू और रूमगरा पटवारी भूपेंद्र नौरंग को कार्रवाई करने अवैध रेत खदान भेजा, जहां ट्रैक्टर के पहुंचने बनाए मार्ग पर दो ट्रैक्टर अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। कोरबा जिले की कुसमुंडा खदान में डीजल चोरी करने घुसे 5 आरोपियों ने त्रिपुरा राइफल्स के जवानों पर हमला कर फरार हो गए थे। दुस्साहस ढंग से कैंपर लेकर खदान में घुसे इस गिरोह के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों की पत्थरसाजी की जा रही है। कवर्धा जिले की पिपरिया पुलिस ने 5,79,908 रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी अजय सिंह को गाडापुर थाना चौपनाकी जिला अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया घटना में उसका साथी सऊद खान भी शामिल था। नवविवाहिता को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में कवर्धा जिले की सहसपुर लोहारा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 6 मोबाइल व बायोमेट्रिक मशीन जब्त की गई है। मामले की रिपोर्ट 14 फरवरी को पीड़िता ने लिखित में कराई थी। बालोद जिले की डोंडी थाना क्षेत्र में गांव वालों द्वारा आशियाना तोड़े जाने के बाद बेघर हुए सू डोंगर के गणेश राम बघेल शनिवार दोपहर से शाम तक न्याय की मांग को लेकर डोंडी थाने में परिवार सहित धरने पर बैठे रहे। उनके समर्थन में मोची समाज तथा आदिवासी समाज के लोग भी थाना पहुंचे थे। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में मवेशियों को ट्रक व पिकअप में भरकर कुछ तस्कर कत्लखाना ले जा रहे थे। उन्हें पकड़ने गए लोगों पर तस्करों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, कार के शीशे तोड़ दिए। सवार लोग जान बचाकर भाग निकले। 20 मवेशियों के साथ ट्रक पकड़ा गया। नाराज लोगों ने अर्जुनी थाने का घेराव कर दिया। रात 1 बजे पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। महासमुंद जिले के ग्राम कावाझर में खैरा झुटी मध्य लगने वाले करणी कृपा पावर प्लांट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कावाझर में किया जा रहा है। किसान नेता ने यहां पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कावाझर में 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भाटापारा पुलिस ने आबकारी उप निरीक्षक से गाली गलौज के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जलेश कुमार सिंह आबकारी वृत्त कार्यालय भाटापारा में 30 नवंबर 2021 को रिपोर्ट की थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर भवानी ढाबा तरेंगा आरोपी मुरली साहू से शराब पर रेड कार्रवाई कर रहे थे। इस पर आरोपियों ने गाली गलौज कर धक्का मुक्की की थी। जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक के तुलसी और किरी धान खरीदी केंद्र में 2,40,00,000 रुपए की गड़बड़ी करने वालों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। नवागढ़ पुलिस ने मामले में किरी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी राम नारायण कश्यप को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आश्रम एवं छात्रावास अधीक्षकों की बैठक में अभद्र भाषा का प्रयोग एवं जातिगत टिप्पणी करना सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे को भारी पड़ गया। आश्रम एवं छात्रावास अधीक्षकों व सर्व आदिवास समाज की शिकायत पर राज्य शासन ने दुबे को निलंबित कर संभाग आयुक्त कार्यालय जगदलपुर में संलग्न करा दिया है। रायपुर यातायात में पदस्थ आरक्षक 1880 अजीत साहू द्वारा चालानी कार्रवाई के दौरान वाहन चालक से अवैध पारितोष प्राप्त करने के फलस्वरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा निलंबित कर रक्षित केंद्र संबद्ध किया गया है। साथ ही यातायात निरीक्षक
कृष्ण चंद सिदार जिनके अधीन आरक्षक पदस्थ था उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। फर्जी जातीय प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने की शिकायत पर कोरबा जिले के कलेक्टर रालू साहू ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए मामले की पूरी जांच करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने 4 सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया है। जांजगीर जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार को एक युवक का शव नहर में मिला। शव बुरी तरह से छत विछत था, उसके आगे कई अंग जानवर नोचकर ले गए थे। अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया है। पुलिस को हत्या कर युवक का शव फेंकने की आशंका है। जगदलपुर में शनिवार की रात महादेव घाट पारा निवासी देवेंद्र तिवारी के घर में उस समय आग लग गई जब घर में कोई मौजूद नहीं था। आग लगने से आसपास में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर तत्काल 4 दमकल के वाहन पहुंच गए और फायर ब्रिगेड के कर्मी आग बुझाने में जुट गए। जगदलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता व रवि कश्यप एवं रघु सेठिया को रविवार की सुबह 6 बजे एक साथ उनके घर से गिरफ्तार किया गया।